वीडियो देखने से पहले जल्दी से इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नाइट क्रीम का रिव्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये क्रीम है दिस वन। देखिए, पैकेजिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे ऐसी पैकेजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट की होती है। तो ये लैक्मे एब्सोल्यूट की नाइट क्रीम है। जी हाँ, यूथ इन्फिनिटी रेंज लैक्मे एब्सोल्यूट ने निकाला था, तो उसी रेंज का ये नाइट क्रीम है जिसका आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट की जो भी पैकेजिंग होती है फ्रेंड्स, वो इतनी ही प्यारी होती है, इतनी ही क्यूट होती है। तो फ्रेंड्स, वैसी ही इसकी भी पैकेजिंग है। बट अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की। इसकी प्राइस है 799। जी हाँ, और इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम है। 50 ग्राम मोर देन इनफ क्वांटिटी है लगाने के लिए। नाइट में आपको सिर्फ लगाना है, दो टाइम नहीं लगाना है, ये अच्छी बात है। तो नाइट में अगर आप सिर्फ इसे यूज़ करते हैं तो ये आपका 1 to 2 month आराम से चल जाता है। बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट क्रीम होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रीम है आप देख रहे हो, गया आप देखना, काफ़ी क्रीमी है, बहुत थिक क्रीम है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, थिक है बिल्कुल, इसका टेक्स्चर बहुत थिक है। और जब आप अपने स्किन पे इसे अप्लाई करोगे तो आप देखना फ्रेंड्स, इतना स्मूथ होता है ये, बहुत बिल्कुल मक्खन की तरह आपका स्किन जो है वो स्मूथ हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ, कैसे ये ऐसा करता है। आप जब अपने स्किन पे अप्लाई करोगे फ्रेंड्स, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्किन पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, आपके पोर्स मिनिमाइज दिखेंगे इंस्टेंटली। ये आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपकी आपकी स्किन बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, एक परत एक चढ़ जाता है ना आपकी स्किन पे, एक सॉफ्टनेस की परत आपके स्किन पे चढ़ जाएगी। जैसे प्राइमर आपके स्किन पे एक परत चढ़ा देता है, सॉफ्ट परत, जिसे आपकी स्किन बहुत सही लगने लगती है, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही ये भी आपके स्किन पे बिल्कुल सॉफ्ट, आपकी स्किन के टेक्स्चर को बिल्कुल सॉफ्ट बना देता है। बट तभी तक जब तक इस क्रीम का असर होता है, इसके बाद ऐसा नहीं होता है। इसके बाद इस क्रीम का जैसे जैसे असर ख़त्म होता है, आपकी स्किन नॉर्मल होती चली जाती है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, और ना ही कोई वाइट कास्ट ये आपकी स्किन पे छोड़ता है। तो इसे आप दिन में लगाने की गलती ना करें। अगर आप सोच रहे हैं इसे दिन में लगाएं, आप रात में लगा रहे हैं, दिन में भी लगाना चाहते हैं, तो चूंकि इसमें SPF नहीं है, बिकॉज ये नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम में SPF नहीं होता है, तो इस वजह से आप सनस्क्रीन इसके नीचे लगा लें, उसके बाद ही आप इसे वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ये नाइट क्रीम है, तो नाइट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं है, आप इसे लगा सकते हैं, इवनिंग में भी आप लगा के बाहर जा सकते हैं। तो आपकी स्किन को ये सॉफ्ट बना देता है। जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल मोम की तरह सॉफ्ट हो जाती है। और दूसरी चीज़, एक थोड़ा सा एक इंस्टेंट शाइन आपकी स्किन पे आ जाता है, बिना चिपचिपाहट के शाइन आ जाता है फ्रेंड्स। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस क्रीम की। दाम लेता है ये, कॉस्टिंग है इसकी, बट ये इंस्टेंट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बाद में ये क्या काम करता है क्या नहीं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। ये क्लेम करता है कि इसके अंदर इंस्टा कॉलेजन बूस्टर है, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। वो ये कहता है कि आप जब सोते हो तो ये आपके स्किन पे वर्क करता है, और जब मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी स्किन पूरी तरह से आपको डिफरेंट लगती है। मतलब पूरे रात ये आपके स्किन पे काम करता है, और सुबह उठ के आपकी स्किन बिल्कुल डिफरेंट लगने वाली है। ये कहता है कि ये क्रीम नॉन कोमेडोजेनिक है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और इसे सलून एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं। और अगर आप इस क्रीम को डेली यूज़ करते हैं, इसके कहे अनुसार लगाते हैं, तो आपकी स्किन सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अब। तो जब मैंने इस क्रीम को लगाना स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि इतना महंगा क्रीम है, लैक्मे एब्सोल्यूट की तरफ से है, काफ़ी कॉस्टली क्रीम है, तो इसका असर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने जब इसे लगाना स्टार्ट किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंस्टेंट जब आप इसे लगाएंगे इस क्रीम को, देखेंगे कि एक अलग सी चमक आपकी स्किन पे आ गई है, और आपका स्किन मोम की तरह सॉफ्ट हो गया है। बट आप जब मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन ऑयली हो गई है। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है, तो जब लगाती हूँ तो ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, बिल्कुल आपकी स्किन क्लियर लगती है, और एक अलग अच्छा सा ग्लो आपकी स्किन पे आता है। बट जब मैं मॉर्निंग उठी तो मैंने देखा कि मेरे स्किन पे ऑयल आ गया
गई है, ऑयल का सेक्रेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, और जो सॉफ्टनेस थी स्किन पे वो वैसी नहीं है अब, क्योंकि जो असर है वो ख़त्म हो चुका है क्रीम का। और इसके कंटिन्यू यूज़ से, मैंने कंटिन्यू इसको यूज़ किया था कम से कम 2 से 3 वीक, मैंने इसे कंटिन्यू इसके कहीं अनुसार ही इसे अप्लाई किया था अपने पूरे फेस पे। थोड़े 1-2-3 वीक के बाद मेरे स्किन पे थोड़ा सा मुझे इरिटेशन, अनकंफर्टेबल मुझे फील होने लगा, थोड़ी इरिटेशन सी होती थी स्किन पे, थोड़ी सी इचिनेस थोड़ी सी स्किन पे आने लगी, इचिंग होने लगी मुझे, और मेरे स्किन पे 1-2 ब्रेकआउट हो गए, जबकि इसमें मेंशन है कि ये नॉन कोमेडोजेनिक है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। बट 2-3 वीक के बाद मेरे स्किन पे इसने काम करना बंद कर दिया और इसने अपना एडवर्स इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया, तो इस वजह से मैं डर गई और मैंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया इसे यूज़ करना। इसीलिए आप देख रहे हैं काफ़ी इनफ अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी अभी इसमें इसकी बची हुई है। तो एक तरीके से मैं कहूँगी कि जितना महंगा ये क्रीम है तो उस तरीके से बिल्कुल भी काम नहीं करता आपके स्किन पे। हाँ, आपकी स्किन को आप डे बाय डे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट होती जाएगी, नो डाउट आपकी स्किन सॉफ्ट लगेगी, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपकी स्किन के टेक्सचर में काफ़ी इंप्रूवमेंट ले आएगा। बट आप अगर सोचेंगे कि आप थोड़े ब्राइट हो जाएंगे, एक टोन ज़्यादा आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, फेयर हो जाओगे आप, तो इससे फेयर बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी स्किन के टेक्सचर में ज़रूर इंप्रूवमेंट ले आता है, ये सॉफ्ट बना देता है, बट नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको विजिबल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा इससे, ना ही आपके इससे डार्क स्पॉट्स वगैरह कुछ कम होने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने इसे परचेस किया था स्पेशली अपने स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करके, काफ़ी सही स्किन पे अच्छे से ग्लो आ जाए, इसके लिए मैंने इसे परचेस किया था। बट मुझे ये सूट नहीं किया, मेरे स्किन पे ये सूट नहीं किया, वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। आप चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं, हो सकता है ये आपकी स्किन पे वर्क कर जाए और आपको सूट कर जाए। बट मैं कहना चाहूँगी इसे इतना महंगा परचेस करना वर्थ तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस है इस क्रीम की। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में नाइट क्रीम आते हैं जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वर्थ बाइंग नहीं है बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली है। तो अगेन मैं इसे परचेस करना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ मैं अगेन, क्योंकि इसी को लेके मैं पछता रही हूँ, पता नहीं ये कैसे ख़त्म होगा अब, मैं ये सोच रही हूँ, तो इसलिए मैं अगेन तो बाय नहीं करने वाली हूँ। सजेस्ट मैं करूँगी, मैं कहूँगी कि इससे अच्छे अच्छे क्रीम है मार्केट में, आप उसे भी देख सकते हैं, और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इस क्रीम को लेकर के तो ज़रूर आप बिल्कुल टेस्ट करिए, इस क्रीम को परचेस करिए और देखिए आपकी स्किन में भी बहुत अच्छा आपकी स्किन पे असर हो तो मुझे भी बताएं, मेरे फ्रेंड्स को भी बताएं, अगर आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है ये क्रीम तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बताएं, मेरे व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी इसे परचेस करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर दे दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।